नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अस्त के ग्रहों के बारे में। जब कोई ग्रह अपनी गति पर चलते चलते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और कुछ खास निश्चित निर्धारित अंशों से करीब आ जाता है और सूर्य के तेज प्रकाश के वजह से वो ग्रह पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसे हम अस्त का ग्रह कहते हैं। दूसरी भाषा में कहूंगा कि जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है और सूर्य के तेज प्रकाश के वजह से वो ग्रह ढक जाता है, लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी से वो ग्रह बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उस ग्रह को हम अस्त का ग्रह कहते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य से धीरे धीरे दूर जाने लगे तो कुछ खास निश्चित निर्धारित अंशों पे वो ग्रह पृथ्वी से दिखाई देना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं उस ग्रह का उदय हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य के अंशों से कितने अंश करीब आने पर ग्रह अस्त का होता है। तो सुनिए, सूर्य से चंद्र 12 अंशों से करीब आने लगे तो चंद्र अस्त का माना जाता है। सूर्य से मंगल 17 अंशों से करीब आने लगे तो मंगल अस्त माना जाता है। सूर्य से बुध 13 अंशों से करीब आने लगे तो बुध अस्त का माना गया है। सूर्य से गुरु 11 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो गुरु अस्त का माना गया है। सूर्य से शुक्र 9 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शुक्र अस्त का होने लगता है और सूर्य से शनि 15 अंशों से करीब आने लगे तो अस्त का होता है। वो जैसे जैसे सूर्य के करीब आते जाएगा वैसे ज्यादा ज्यादा अस्त माना जाएगा और जब सूर्य की और वो ग्रह की डिग्री 1 हो जाएगी तो उसे पूर्ण अस्त माना जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। इधर देखिए कि बुध 13 अंशों पे अस्त का माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखिए, सूर्य 25 अंश का है और बुध 15 अंश का है तो दोनों के बीच में 10 अंशों का फर्क है तो हम कहेंगे कि बुध अस्त का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि गुरु 11 अंशों पे अस्त का माना गया है। तो इधर देखिए, सूर्य 25 अंश पे है, गुरु 18 अंश पे है तो इन दोनों के बीच में 7 अंशों का फर्क है तो हम कहेंगे कि गुरु अस्त का हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि शुक्र 9 अंशों पे अस्त का माना जाता है। तो इधर देखिए, सूर्य पहले भाव के अंदर 25 डिग्री पे है और शुक्र अगले भाव के अंदर 3 डिग्री पे है तो सूर्य और शुक्र के बीच में टोटल 8 अंशों का फर्क है तो हम कहेंगे कि शुक्र अगले भाव में होने के बावजूद वह अस्त का हो गया। और एक एग्जाम्पल देता हूं कि मंगल 17 अंशों से अस्त का माना जाता है। दसम भाव के अंदर सूर्य 25 डिग्री का है और मंगल 11वें भाव के अंदर 7 अंश का है तो सूर्य और मंगल के बीच में 12 अंशों का फर्क हो गया जबकि 17 अंश पे वो अस्त का माना जाता है तो हम कहेंगे कि मंगल भले आगे के भाव में है लेकिन अस्त का हो गया। उसी प्रकार अगर सूर्य और वो ग्रह दोनों के बीच में सेम अंश आ गए तो उसे पूर्ण अस्त माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य 10 अंश का है और मंगल भी 10 अंश का है तो हम कहेंगे कि मंगल पूर्ण अस्त का हो गया। अभी हम लोग और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि राहु और केतु को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य के करीब आने से टोटल 6 ग्रह अस्त के होते हैं, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसमें से 3 ग्रहों को आंतरिक ग्रह माना गया है और 3 ग्रहों को बाहरी ग्रह माना गया है। तो चंद्र, बुध और शुक्र इसको आंतरिक ग्रह माना गया है और मंगल, गुरु, शनि को बाहरी ग्रह माना गया है। तो अब इसमें क्या फर्क है बताना चाहूंगा। चंद्र कभी वक्री होता ही नहीं, बुध और शुक्र ये अस्त का होने के बावजूद वक्री होते हैं जबकि मंगल, गुरु और शनि ये जब अस्त का होते हैं तो वक्री नहीं होते और जब वक्री होते हैं तो अस्त का नहीं होते। क्यों? क्योंकि अस्त का होने के लिए सूर्य के पास आना पड़ता है और वक्री होने के लिए मंगल, गुरु और शनि को सूर्य से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें भाव में होना आवश्यक होता है।
जब सूर्य से पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें भाव में मंगल गुरु शनि होते हैं तब वक्री होते हैं। इसीलिए मंगल गुरु और शनि जब वक्री होते हैं तो अस्त के नहीं हो सकते, जब अस्त के होते हैं तो वक्री नहीं होते। अभी हम और अंदर जाएंगे कि कुंडली का परीक्षण करते समय अस्त ग्रहों का अध्ययन बड़ी सजगता के साथ करना आवश्यक होता है, वरना परीक्षण में गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अस्त के ग्रहों का परीक्षण करने के लिए कम से कम 12 नियम मैं आपको बताता हूं। अगर ये 12 नियमों का ध्यान दिया जाए तो अस्त के ग्रहों का परीक्षण आप सटीक तरीके से कर सकते हो। तो पहला नियम, हमें देखना होगा कि अस्त का ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। दूसरा, अस्त का ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है या फिर छठवें, आठवें, बारहवें भाव में बैठा है। तीसरा, अस्त का ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा है या फिर अस्त का ग्रह शत्रु राशि या नीच राशि में बैठा है। दोनों का परीक्षण में फर्क आएगा। अस्त का ग्रह खुद के नक्षत्र में बैठा है, मित्र नक्षत्र में बैठा है या फिर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, इसका भी अपना एक खास इंपॉर्टेंस है। अस्त के ग्रह की नवमांश में कैसी स्थिति है, नवमांश में वो ग्रह अस्त का है या कमजोर है, या नवमांश के अंदर वो ग्रह बलवान है या कमजोर है। छठवां नियम, अस्त का ग्रह अष्टक वर्ग में शुभ बनता है या अशुभ बनता है। सातवां नियम, अस्त का ग्रह षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है या फिर षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर छठवें, आठवें, बारहवें भाव में निर्बल होकर बैठा है। आठवां नियम, अस्त का ग्रह सूर्य के करीब जा रहा है या फिर सूर्य से दूर जा रहा है, ये दोनों के प्रेडिक्शन में बहुत फर्क आता है। अस्त का ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, यह भी जानना जरूरी होता है। दसवां नियम, सूर्य केंद्र या त्रिकोण का मालिक है या फिर सूर्य छठवें, आठवें, बारहवें भाव का मालिक है, यह भी जानना जरूरी है। ग्यारहवां नियम, अस्त का ग्रह सूर्य का मित्र है या फिर सूर्य का शत्रु है। बारहवां नियम, अस्त का ग्रह कुंडली के कारक ग्रह, फिर से बोलता हूं, अस्त का ग्रह कुंडली का कारक ग्रह होगा तो उसके शुभ फल में कमी आएगी और अगर मारक ग्रह होगा तो उसके अशुभ फल में कमी आएगी। अभी मैं आपको स्पेशल 3 नियम बताता हूं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। पहला नियम, जन्म कुंडली में जो ग्रह अस्त होकर बैठा है, अगर नवमांश कुंडली में वो ग्रह सूर्य से 2 या 3 भाव दूर बैठा हो तो समझ जाना अभी भी वो ग्रह में शुभ फल देने की क्षमता बची हुई है। दूसरा नियम, जो ग्रह अस्त हो वो ग्रह शुभ या अशुभ फल सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा में देते हुए भी दिखाई दिया गया है। तीसरा नियम, अस्त का ग्रह अगर विपरीत राजयोग बनाता हो या फिर अस्त का ग्रह नीच भंग राजयोग बनाता हो तो फिर वो ग्रह अस्त का होने के बावजूद बहुत अच्छा फल देता है। मैंने मेरे 25 साल के अनुभव में बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं भी ऐसा समझता था कि अस्त का ग्रह हो तो कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। लेकिन 25 साल के अनुभव में मैंने देखा कि बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े उद्योगपति की कुंडली के अंदर 3-3 ग्रह अस्त के होने के बावजूद वो बहुत ही फेमस है, धनवान है, सुखी है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रह अस्त है और हम समझ जाते हैं वो कमजोर है। लेकिन जब हम उसका डीप अध्ययन करते हैं, नवमांश में उसकी स्थिति कैसी है, अष्टक वर्ग में उसकी स्थिति कैसी है, षोडश वर्ग के अंदर उसकी स्थिति कैसी है, वो ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है या नीच भंग राजयोग बनाता है, वो ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और ये सारी बातों को जब मिलाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि अस्त का ग्रह अशुभ फल नहीं, शुभ फल देने के लिए सक्षम है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।